कृष्णा भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हरे कृष्णा, राधे राधे। मैं संगीता आप सभी का कृष्णा भक्ति परिवार में हार्दिक स्वागत करती हूँ। पुरुषोत्तम मास महात्म कथा 31वां अध्याय। सूत जी कहने लगे कि हे विप्रो, इस प्रकार नारद मुनि पतिव्रता स्त्रियों के धर्म का वर्णन सुनकर कुछ थोड़ा सा और पूछने के लिए बोले। नारद कहने लगे, हे बद्री पते, आपने सब दानों से उत्तम कांसी का संपुट कहा, सो कारण इसके विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। श्री नारायण बोले, हे ब्राह्मण, इस व्रत को पहले एक बार श्री पार्वती जी ने किया था। उस समय श्री पार्वती जी ने श्री महादेव जी से पूछा, कौन सा उत्तम दान देना चाहिए जिससे मेरा पुरुषोत्तम का व्रत संपूर्ण हो जाए। श्री महादेव जी बोले, कांसे का बर्तन 30 मालपुए भरकर 7 धागे से लपेटकर विधिवत पूजा कर और व्रत संपूर्णता के लिए विद्वान ब्राह्मण को देवें। शक्ति हो तो ऐसे 30 पात्रों को देवें। इस प्रकार श्री महादेव जी के उपकार करने वाले सुंदर वचन सुनकर सब लोगों का हित चाहने वाली श्री पार्वती जी प्रसन्न होकर विद्वान ब्राह्मणों को 30 कांसे के बर्तन मालपुए से भरकर देकर अत्यंत आनंद को प्राप्त हुई। सूत जी कहने लगे कि हे विप्रो, इस प्रकार श्री नारायण जी के अमृत समान वचन सुनकर श्री नारद जी अत्यंत तृप्त होकर बारंबार नमस्कार कर फिर बोले, पुरुषोत्तम सब साधनों में श्रेष्ठ हैं। मैंने सब महात्म्य सुना, ऐसा ही निश्चय किया है, जिससे सुनने मात्र से भी भक्ति से मनुष्यों के महापाप का नाश हो जाता है। यदि श्रद्धा और विधि से किया जाए तो कहना ही क्या, मेरी बुद्धि से ऐसा ही प्रतीत होता है। इससे आगे मुझको और कुछ भी सुनना बाकी नहीं रहा, क्योंकि मैं इस कथा रूपी अमृत से अत्यंत तृप्त हो गया। उसके महात्म्य सुनने से गंगा स्नान के समान फल प्राप्त होता है। पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करने का इसके सादर सुनने वाले को प्राप्त होता है। ब्राह्मण सुनकर ब्रह्म तेज, क्षत्रिय राज्य सुख, वैश्य धन, शूद्र श्रेष्ठता तथा अन्य किरात क्षण आदमी मुक्त आदि मनोवांछित वस्तु को प्राप्त होते हैं। इस पुरुषोत्तम मास महात्म्य को लिखवा कर यानी खरीद कर वस्त्र भूषण के साथ विधि पूर्वक ब्राह्मण को जो दान करता है, वह अपने 3 कुल के साथ गोपालों में सेवित देव दुर्लभ गोलोक को प्राप्त होता है। जिस घर में यह ग्रंथ रत्न रखा है, वह घर तीर्थ के समान है। इस प्रकार अत्यंत पुण्यदायक पुरुषोत्तम मास के महात्म्य को सुनकर विस्मित हुए विनयपूर्वक सूत जी से बोले, हे सूत जी, तुम धन्य हो, आपके मुख से कथा रूपी अमृत पान करके हम सब कृतार्थ हो गए। हे पुराणों के नाताओं में श्रेष्ठ सूत जी, आपकी बड़ी उम्र हो तथा आपकी कीर्ति अमर रहे। इस प्रकार वह सूत जी ब्राह्मणों का आशीर्वाद लेकर सब ब्राह्मणों के प्रदक्षिणा कर नमस्कार करके
अपना कृत्य करने के लिए गंगा जी की ओर चल दिए और नैमिषारण्य में रहने वाले मुनि आपस में कहने लगे कि यह पुरुषोत्तम का महात्म्य अत्यंत श्रेष्ठ है और पुराना है। भक्तजनों को मनोवांछित फल देने में कल्प वृक्ष के समान है। अथ श्री पुरुषोत्तम मास महात्म कथा समाप्तम। जय बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय। जय बोलो राधे कृष्ण की जय। व्रत त्योहार धर्म से जुड़े वीडियोस, लड्डू गोपाल सेवा भक्ति रिलेटेड वीडियोस और रुचि रुचि भोग रेसिपीज के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। वीडियो अपने परिवारजन मित्रों से जरूर। मिलेंगे अगले वीडियो में। राधे राधे।